औद्योगिक शहर पानीपत में नगर निगम को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। आपको बता दें कि कर्मचारी और विज्ञापन एजेंसियां मिलकर लाखों रुपए का हर दिन चूना लगा रही हैं। शहर में सैकड़ों साइटों पर इस तरह के अवैध विज्ञापन लगे हुए हैं। बता दें कि आज के समय में अपने प्रोडक्ट और आम जनता में जानकारी पहुंचाने के लिए विज्ञापन एक अचूक साधन माना गया है। शहरों में विज्ञापन से रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन की होती है। पानीपत नगर निगम की परिधि में ये जिम्मेवारी नगर निगम की रेंट शाखा व कार्यकारी अधिकारी की है। निगम की अप्रूव्ड विज्ञापन साइटों पर विज्ञापन लगाने के लिए विज्ञापन दाता इसके लिए एक कीमत अदा करता है, लेकिन पानीपत शहर की मुख्य विज्ञापन साइटों पर सीनियर डिप्टी मेयर के सम्मान में लगाए गए ये विज्ञापन सरकार की ज्ञापन पॉलिसी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं वीआईपी लोगों द्वारा लगाए गए इन विज्ञापनों से नगर निगम को लाखों रुपए का चूना लग रहा है और ये सब इसको संभालने वाले नगर निगम की रेंट शाखा के अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है। जब इस बारे में शाखा के कर्मचारियों से बात की गई तो वह चोरी पकड़े जाने के डर से कन्नी काट गए और संबंधित कार्यकारी अधिकारी ने भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। गौरतलब है कि पानीपत लघु सचिवालय के सामने और नेशनल हाईवे पर जहां से सभी अधिकारी घूमकर अपने दफ्तर में पहुंचते हैं, लघु सचिवालय के सामने बने हरियाणा टूरिज्म के पर्यटन केंद्र के गेट के सामने बनी विज्ञापन साइटों पर लगे बड़े बड़े बोर्ड अधिकारियों को नजर नहीं आते। अगर अधिकारी विज्ञापन बोर्डों पर लिखे फर्म व व्यक्ति के नाम पर विज्ञापन फीस जमा कराने के लिए नोटिस भेजें तो लाखों रुपए की नगर निगम को आमदनी हो सकती है, क्योंकि सभी विज्ञापनदाता का स्टेटस वीआईपी नजर आ रहा है। वही विज्ञापन साइटों के मामले में जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने मामले की जानकारी लेकर इस पर कार्रवाई करने की बात कही। पानीपत से प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट। जो नेशनल हाईवे पे जो आपकी साइटें हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं विज्ञापन को लेकर के, क्या जब तक टेंडर नहीं है तो उसकी फीस यहाँ जमा हो रही है या वैसे लगे हुए हैं? नहीं नहीं, देखो वो तो ये कि जैसे अगर कोई अपनी एड लगाता है तो उसकी फीस उसको पहले ही डिपॉजिट करानी होती है। उस टाइम पीरियड के लिए वो फिक्स होता है कि कितने टाइम के लिए उन्होंने एड लगानी है, 15 दिन के लिए लगानी है या महीने के लिए लगानी है, तो उसकी फीस वो लोग डिपॉजिट करा देते हैं। और अभी साथ के साथ मुझे उम्मीद है या 1-2 दिन के अंदर अंदर ही एडवर्टीजमेंट का काम जो इस समय बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं विज्ञापन के, तो उसमें क्या आपकी जानकारी में है कि फीस जमा है यहाँ पे? देखो मुझे तो इतना पता है कि ये लोग एडवांस में फीस ले लेते हैं और फिर उसके बाद वो होर्डिंग लगाते हैं। और अब एक एक जाकर साइट पर मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि पूरे पानी नगर निगम के अंदर इन्होंने कहाँ कहाँ लगाए हुए हैं, इस चीज की नॉलेज मुझे किसी के थ्रू आएगी कि भाई यहाँ पर इनको टाइम हो गया है तो ही मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैं खुद जा जाकर नहीं देख पाऊंगी। बट मुझे तो एज अ बल्क ये पता है कि ये लोग पहले उससे पेमेंट लेकर फिर ही उसके बाद वहाँ पर होर्डिंग लगाते हैं। होर्डिंग लगे गए हैं सम्मान दर्शाते हुए 25x10 के, लाखों रुपए का रेवेन्यू जो होगी जनरेट होता है उनसे और नगर निगम को इसकी कोई इनकम नहीं हो पा रही। मैं एक हमारी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी है जिसके तहत हमारा टेंडर भी गया हुआ है, ईओ उसके एनफोर्समेंट के लिए अधिकारी हैं जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं। मैं एक बार दिखा लेता हूं कि इसमें क्या कार्रवाई की जानी, कितनी हमारी अप्रूव्ड साइट्स है और कितने अनअप्रूव्ड साइट्स पे लगे हुए हैं। हमने ईओ से भी बात की थी और रेंट शाखा से ही बात की, उन्होंने इससे कन्नी काटी क्योंकि उनको भी पता है कि भी अनऑथराइज लगे हुए हैं बड़े बड़े होर्डिंग। मैं एक बार उनसे रिपोर्ट लेके जो भी इस पे कार्रवाई बनेगी वो करवा। क्या जो होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं क्या उनको नोटिस दिया जाएगा रेवेन्यू जमा कराएं? एक बार ये देखना पड़ेगा कि वो अप्रूव्ड साइट पर है या अनअप्रूव्ड साइट पर है, फिर उसी हिसाब से उनकी कार्रवाई की जाए। क्योंकि लघु सचिवालय के सामने जीटी रोड पर लगे हुए हैं नेशनल हाईवे के, मेरे लिए अभी किसी भी एक पॉइंट का बता पाना मुश्किल होगा। मैं क्योंकि जो शाखा ने जो भी पॉइंट्स निर्धारित कर रखे उसी हिसाब से वो कार्रवाई की जाए। अगर पाए जाते हैं कि भी ये अनऑथराइज है तो उस पर कार्रवाई होगी, जो भी नियमों के अनुसार कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई की। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।